हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सब्जेक्ट है ईसी का, ये कोर फील्ड का सब्जेक्ट है और इसका कोड है KEC Z501। और ये 4 क्रेडिट का पेपर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर और थोड़ा ये टफ भी है। एनालॉग सर्किट से क्या ये एडवांस से जिसमें जो है टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसे कि इस पर 5 यूनिट्स हैं, तो पहली जो यूनिट है वो 741 आईसी ओपन पे है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में यूनिट के बारे में दे रखा है कि उसकी डीसी एनालिसिस की गई, इसकी 741 की और एसी एनालिसिस की गई। तो ये काफ़ी जो है टफ पार्ट है 7-4, क्योंकि इसका डायग्राम याद करना पड़ता है, इसमें जो है उसकी आउटपुट और ये बहुत कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है और एनालिसिस भी थोड़ा ही सिंपल नहीं है। तो देखिए इसमें जो है जो पॉइंट जो पढ़ने हैं हमें, देखिए पहला तो जनरल ऑपरेशन एम्पलीफायर स्टेज बेसिक सर्किट इनपुट स्टेज, इसके बारे में जानना है, और सेकंड स्टेज और ये आउटपुट स्टेज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जिसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है। फिर उसके बाद डिवाइस पैरामीटर ये भी पूछ लिया जाता है 741 की। डीसी और एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस उसकी डीसी वैल्यू फाइंड करते हैं, एसी में उसमें गेन वोल्टेज गेन इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड किया जाता है। लिखा हुआ इनपुट स्टेज सेकेंड स्टेज और आउटपुट स्टेज तीनों का जो है एसी एनालिसिस फाइंड करना है और गेन भी फाइंड करना है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 741 का, तो इसका सिंप्लीफाई इसमें जो स्लू रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बिटवीन एफटी एंड स्लू रेट, तो ये इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बाकी डीसी और एसी एनालिसिस पूछी जाती है और स्लू रेट और ये एफटी एंड स्लू रेट ये पूछा जाता है। तो इसे जो हमें पढ़ना है इससे सेंद्रा एक्सप्रेस, क्योंकि इसका जो मोस्टली जो सिलेबस जो है बनाया गया है वो सेंद्रा एक्सप्रेस से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बुक से बनाया गया है, इसे पढ़ना है सेंद्रा एक्सप्रेस से, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है, नीमन में भी देख सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका किस बुक से है, क्योंकि सेंद्रा एक्सप्रेस बुक से जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक की बोल है ये पूरी यूनिट। उसके बाद सेकेंड यूनिट आती है लीनियर एप्लीकेशन ऑफ आईसी ओपन, ओपन की क्या क्या जो है ऐसी की जो लीनियर एप्लीकेशन है, तो इसमें देखिए ये भी पूछ लिया जाता है ओपन बेस्ड वीआई और आईवी कन्वर्टर। तो देखिए ये सेंद्रा एक्सप्रेस में नहीं है, ये आपको पढ़ने होंगे मिलमैन से भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, और आपका जो है गायकवाड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट बुक से, ये दोनों। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर ये आपको पढ़ना है सैद्राश्वित या माइक्रो इलेक्ट्रिक नीमिन से, इसे आपको इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आएंगे सैद्राश्वित से या नीमिन से। ये जनरलाइज इम्पीडेंस कन्वर्टर ये भी सैद्राश्वित में दे रखा है, और समेशन ऑफ इंडक्टर्स ये भी दे रखा है। तो मैं तो कहूँगा इसे जो है आप उससे उसमें भी दे रखा है, रजावी में भी देखा है, तो रजावी से अच्छा है कि आप सेंद्रा फॉलो करें, क्योंकि ये पूरी बुक जो है सेंद्रा से इन्होंने सिलेबस उठाया हुआ। उसके बाद एनालॉग जो है एक्टिव एनालॉग फिल्टर डिजाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा सेलन की सेकंड ऑर्डर फिल्टर डिजाइनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर लो पास एंड हाई पास वटरवर्ड फिल्टर इंट्रोडक्शन बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये जो है यहाँ से ये जो है ये टॉपिक्स बटरवर्थ और KHN, तो इनको आपको पढ़ना है, सेंद्रा एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हैं, और देखिए यहाँ पे ये बुक दे रखी है गायकवाड़ की रेफरेंस में, इसे आपको हर हाल में पढ़ना है इस बुक को। इसका जो थर्ड एडिशन था वो ज़्यादा अच्छा था, फोर्थ देखा तो आपको फोर्थ ही पढ़ना है, अगर थर्ड मिल जाए तो उसमें डीसी ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत अच्छा दे रखा। तो मेनली जो दो बुक हैं इन्हीं से सिलेबस है, और ये मिलमैन में जो भी टॉपिक होगा मैं बता दूंगा क्या इसका कौन सा पढ़ना है। फिल्टर इंट्रोडक्शन डिजाइन ऑफ हायर ऑर्डर फिल्टर, तो इसे भी इस यूनिट को भी कहाँ से पढ़ना है, सेंद्रा एक्सप्रेस से पढ़ना और गायकवाड़ से पढ़ना। थर्ड यूनिट ये फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन एंड नॉन लीनियरिटी, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन ऑफ टू स्टेज ओपन स्लू रेट एंड टू स्टेज ओपन लीनियरिटी एंड डिफरेंशियलिटी सर्किट, तो ये कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप सेंद्रा एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हैं और मिलमैन में भी इसे मिलेगा फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन। और अच्छा पढ़ना है समझना है तो इसके लिए आप जो है फ्लैट पढ़ सकते हैं, फ्लैट की बुक आते
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी कॉन्सेप्ट दिया है वो अच्छा दिया गया फ्लैट से। ये थर्ड यूनिट में नॉन लीनियर एप्लीकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन देना ही देना है वो। तो देखिए इसमें जो है बेसिक लॉग एंटी लॉग ऑपरेशन यूजिंग द डायोड एंड बीजेटी। तो देखिए इसमें जो है आपको जो है सेंद्रा स्मिथ में जो है उतना अच्छा नहीं दे रखा, क्योंकि इसके बारे में ये आपको मिलेगा गायकवाड में, मिलेगा बुक में या मिलमैन में मिल जाएगा। लॉग और एंटी लॉग मिलमैन में भी काफ़ी अच्छे से दे रखा है। टेम्परेचर कंपनसेटेड, इस पे सवाल भी आते हैं, इसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं लॉग और एंटी लॉग के, बहुत अच्छे तरीके से देखा है। और ये टॉपिक आपको फ्लैट से भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। तो ये यूजिंग डायोड, उसके बाद पीक डिटेक्टर सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ये मिलमैन में भी है और ये गायकवाड। तो हम तो प्रेफर करेंगे कि आप गायकवाड से पढ़िए। ओपे मेजर कंपरेटर एंड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये भी इसमें भी है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट का पार्ट है ये, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा पूरा इस वाली बुक में, गायकवाड़ वाली में। ओपे मेजर कंपरेटर, जीरो क्रॉसिंग, स्टेबल मल्टीवाइटर, ये मोनो स्टेबल मल्टीवाइटर, जनरेशन एंड ट्राइंगल, ये यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाता है, ये एनालॉग सर्किट में भी पूछा जाता है और इसमें तो पूछा ही जाना है। तो इसे आपको सेंद्रा स्पेस से भी पढ़ सकते हैं, ये वाला टॉपिक गायकवाड़ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मिलमैन से पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक जो है तीनों बुक से पढ़ सकते हैं। तो देखिए पेपर हो सकता है इससे आपको सेट कर दे, वो सेंद्रा स्पेस से या गायकवाड़ से, दिया इसमें भी सही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालॉग मल्टीप्लायर एंड देयर एप्लीकेशन, तो ये एनालॉग मल्टीप्लायर एंड देयर, इसमें गिलबर्ट मल्टीप्लायर पूछा जाता है, वो आपको पढ़ना है रजावी से। इसमें जो है एनालॉग जो है ये मल्टीप्लायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इसे जो फ्लड में भी दे रखा है। उसके बाद जो फिफ्थ जो फोर्थ यूनिट है, ये काफ़ी एडवांस वर्जन यूनिट है। तो देखिए ये किसके है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, DIC के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ेंगे, CMOS लॉजिक गेट, सर्किट बेसिक स्ट्रक्चर है जो है, CMOS रजिस्टर इन्वर्टर है। तो ये सभी सेंद्रा स्मिथ से भी पढ़ सकते हैं और नीमेन से भी पढ़ सकते हैं इस वाली यूनिट को। ये मोस्टली जो पूरी की पूरी यूनिट है ये किससे ली गई है, सेंद्रा स्मिथ से सिलेबस, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक पहले नंबर पे जो है मेंशन की जाती है सिलेबस उसी से ही बनता है मोस्टली। तो ये पूरी जो टॉपिक है ये किससे पढ़ना है, सदर एसपी से पढ़ना है। एंड और नैंड नॉर और ये सब एप्लीकेशन, मतलब जो है CMOS के जो है एप्लीकेशन, तो ये आपको जो ये पहला वाला जो है CMOS के बारे में सदर एसपी से पढ़ना है, और आपको जो है नीमेन से भी इसमें सवाल देख लेने एग्जाम्पल्स। उसके बाद लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप, ये भी आपको पूरी यूनिट किससे पढ़ना है, सदर एसपी से, जिसमें जो है CMOS SR फ्लिप फ्लॉप्स और CMOS D क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप, ये इस टाइप के जो है क्लॉक D, ये पूरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें CMOS तो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट, CMOS पे तो क्वेश्चन पूछा जाना है, CMOS NAND गेट NOR गेट, CMOS का जो है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट, ये और छोटी भी यूनिट है। जो फिफ्थ यूनिट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर सेट होता है और थर्ड वाले से भी, थर्ड वाले का जो था वो यहाँ से क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, ए स्टेबल मोनो स्टेबल इससे और ऊपर से भी उठा लिए जाते हैं। फिफ्थ वाले से जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो टाइमर है, तो इसमें देखिए सबसे पहले टाइमर IC 55 पिन पूछा जाता है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इसका पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें इसमें भी मोनो स्टेबल और ए स्टेबल मल्टीवाइटर यूजिंग द 55 IC होता है। तो ये भी सदर अस्पत में दे रखा है, नहीं तो इसमें तो ये आपका दे रखा ही इस वाली बुक में OPM की, ये रेफरेंस बुक जो है फर्स्ट गायकवाड़ की। तो ये VCO कंट्रोल ऑसिलेटर, इसमें भी दे रखा है, ये तो इसमें नहीं है सेंद्रा स्मिथ में, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशन, तो ये VCO के एप्लीकेशन इस वाली बुक से पढ़ने, ये वाला प्रॉपिक गायकवाड़ से। बचता हमारा फेज लॉक्ड लूप, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो आना ही आना है क्वेश्चन जो है एग्जाम 10 नंबर का। तो बेसिक प्रिंसिपल PLL ब्लॉक डायग्राम वर्किंग
एक्स और गेट मल्टीप्लायर फेज डिटेक्टर एंड एप्लीकेशन पीएल। ये देखिए ये जो है ये वाला पार्ट उसमें नहीं है सनराइज स्मिथ में, तो ये किसमें मिलेगा आपको, गायकवाड़ में मिल जाएगा गायकवाड़। उसके बाद तो चाहेंगे आप इसमें जो रजाबी की जो ये वाली बुक है दूसरे नंबर की, तो इसमें ये वाला फेज लुक टू वाला मिल जाएगा, ये सिलेबस इसी से लिया गया ये वाला। इसको आपको जो है ये वाला जो है किससे पढ़ना, रजाबी से पढ़ना। तो देखिए टेस्ट बुक तो मैंने पहले ही बताई थी कि आपको पहली वाली ही प्रेफर करनी और ये रेफरेंस बुक ये वाली पढ़नी, क्योंकि ये तो पढ़ना ही पढ़ना हर, क्योंकि ये तो पढ़ते ही चले आए। ये वाली बुक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत अच्छी है गायकवाड़ की, इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल है आईसी के बारे में आप पढ़ेंगे काफ़ी की डिटेल में, जबकि इसमें नहीं मिलेगा। ये मिलमैन की भी ये अच्छी बुक है, ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है, ये थ्योरी वाले पार्ट मिल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन लगे हुए नहीं मिलेंगे, एक्सरसाइज काफ़ी इसकी हैवी है। तो इससे प्रिपेयर सेट होता है पहली वाली बुक से और ये दूसरी वाली बुक से 100%। और नहीं तो वो जब लेना होता है पेपर तो वो स्वयंसरी से भी ले सकता है और मिलमैन वाली बुक से भी ले सकता है, क्योंकि मिलमैन की जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है सॉरी हाँ उससे, और नीमैन की एक नीमैन इसकी भी जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक आती है यहाँ से भी वो पेपर सेट कर सकते हैं। अब नीचे आता है जो इम्पोर्टेंट है आउटकम, हमने क्या क्या इसमें जो है सीखना। तो देखिए इस जो यहाँ पे जो दे रखा है ये इंटरेस्ट होता है टीचर का पेपर सेट करने का। तो देखिए पहला जो है एक्सप्लेन कंप्लीट इंटरनल एनालिसिस ऑफ ओपेमासी, तो इसके तहत वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा 741 पे, ये शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन इनपुट आउटपुट जो उसके डीसी और एसी एनालिसिस उसके बारे में। उसके बाद दूसरे वाले पाते हैं इसमें देखिए क्या है, बेसिक कंपोनेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात से दे क्या देखा फिल्टर के बारे में ये आपसे पूछेगा इसमें टॉपिक। तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द ओपेम एंड डिजाइन बेस्ड ऑफ नॉन लीनियर एप्लीकेशन एंड बेफसेप, यहाँ देखिए मेंशन करके रखा कि ये चीज़ें आपको सीखनी है इस वाले जो है सब्जेक्ट में, नॉन लीनियर एप्लीकेशन और वेव शेपिंग। वेव शेपिंग में यही आता है ट्राइंगुलर स्क्वायर वेग मल्टी मोनोस्टेबल, इसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं वेव शेपिंग के अंतर्गत। उसके बाद फोर्थ है नंबर तो एनालिसिस डिजाइन ऑफ आईसी डिजिटल आईसी सर्किट यूजिंग सीएमओएस टेक्नोलॉजी, तो सीएमओएस टेक्नोलॉजी वाला ये वाला पार्ट, तो इसमें आपको एंड और नैंड के बारे में ये पढ़ना है। उसके बाद जो फिफ्थ है तो फंक्शनल ऑपरेशन ऑफ आईसी सच जैसे 55 टाइमर वीसीओ आईसी 56 एंड पीएलएल, तो यार देखो मेंशन करके दे रखा है कि ये इंटरेस्ट है उनका, जहाँ से वो पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि ऑथर चाहता है कि आपको इन्हें डीपली से पढ़ना है और डीपली से समझना है, तो वो उसका इंटरेस्ट यही है कि हम पेपर भी यहीं से मोस्टली इर्द गिर्द आपका रहेगा इन टॉपिकों से, आप उठा के देख लीजिए जरूर मिलेंगी ये टॉपिक्स 55 टाइमर वीसीओ आईसी पीएलएल नॉन लीनियरिटी वेव शेपिंग और फिल्टर और ये इंटरनल। तो मैं इस पर जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।